तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जबान खराब होती है, या तब हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, मैं एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए आप छोटे हैं, 6वीं 5वीं क्लास में जब थे, और आपसे कांच का एक ग्लास टूट गया। अब मम्मी को बताना है तो आपके शब्द कुछ ऐसे होते कि ग्लास टूट गया, उसके आगे बहुत सारी कहानियां हो सकती थी, सॉरी आगे से नहीं होगा, ऐसा कर रहा था, हो गया, लेकिन शब्द यही है कि ग्लास टूट गया। अब वही ग्लास आपके छोटे भाई या छोटे बहन से टूटा हो तो आप कहेंगे कि ग्लास तोड़ दिया। और ये हर जगह होता है। आप ऑफिस में अगर लेट आए हैं तो आप कहेंगे लेट हो गया। उसके आगे कहानी हो सकती है, बारिश थी, जाम हो रहा था, या लंच नहीं बना था, कोई आ गया था, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन आपके शब्द यही होंगे कि लेट हो गया। लेकिन आपका साथी अगर 10 मिनट लेट आया है तो हम कहेंगे अरे इसकी तो आदत है लेट आने की। तो जब इतनी छोटी सी घटनाओं में भी ना हमारे लिए बात करने का तरीका एक होता है, और दूसरे के लिए जब हम बात करते हैं तो एक ब्लेमिंग उसमें होती ही है। हम एक अलग तरीके से बात करते ही हैं उसमें, और ये जब क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे ये और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या फिर ये व्यक्ति जितना हमसे दूर होता है, इन एग्जांपल्स में ये व्यक्ति हमारे बहुत करीब के थे, भाई थे, बहन थे या दोस्त थे, ये व्यक्ति जब हमसे बहुत दूर का होता है, अलग भाषा बोलने वाला होता है, अलग धर्म का होता है, या अलग जाति का होता है, या अलग विचार रखने वाला होता है, या उससे हमारी लड़ाई हुई होती है, तो ये भाषा और ज़्यादा चुभने वाली हो जाती है, और ज़्यादा कठोर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब गुस्सा होते हैं तो ही भाषा बिगड़ती है, भाषा बिगड़ी हुई है, हमें पता तब चलता है जब कुछ बहुत बड़ी घटना होती है।